नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसाल वास्तु कंसल्टेंट हमारी जो सीरीज चल रही है प्लॉट चयन ले से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो पहले बनाई है और बहुत सारी वीडियो अब हमारी और भी बनने जा रही हैं आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझें और विचार करें क्योंकि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं और आपका घर बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर बच्चों का कमरा कहां पर बनाना चाहिए आजकल प्लॉट के साइज ज्यादा बड़े नहीं मिलते क्यों नहीं मिलते क्योंकि पैसे कम होते हैं प्लॉट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है बहुत ज़्यादा महंगे प्लॉट हो गए हैं और हर व्यक्ति बड़ा प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकता मेट्रो सिटी में छोटा प्लॉट लेने के लिए भी बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे में सारी चीज़ें प्रॉपर सही तरीके से नहीं बन पाती तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किड्स का रूम बच्चों का रूम कहाँ पर बनाना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे अच्छी दिशा बच्चों के रूम के लिए वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की बनती है सेकंड ईस्ट यानी पूर्व दिशा की बनती है थर्ड में नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा बच्चों का रूम बनाने के लिए बनती है तो आज आपने ध्यान देना है आप अपना घर डिजाइन कर रहे हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवा रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चों का जो रूम है वो वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में बनना चाहिए घर के अंदर दो बच्चे हैं तो दो रूम चाहिए एक का रूम आप पश्चिम दिशा में बना दें दूसरे का रूम आप ईस्ट में पूर्व दिशा में बनाएं पूर्व दिशा में ईस्ट में नहीं बनता तो आप नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में भी बना सकते अब रूम के अंदर सेटिंग कैसे होनी चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में बच्चों का रूम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले रूम का जो एंट्रेंस डोर है वो कहां पर होना चाहिए वो रूम के नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट वॉल पर यहां पर एंट्री डोर लगाना चाहिए दूसरी ऑप्शन में आप नॉर्थ वॉल पर भी एंट्री डोर लगा सकते हैं ये दोनों ही डोर अच्छे रहते हैं रूम के अंदर बेड किस दिशा में लगाना है बेड हमेशा ही कोशिश करें कि साउथ वॉल पर दक्षिण दिशा में आना चाहिए और जो सोते समय सिर साउथ में और पैर आपके नॉर्थ में होने चाहिए रूम के अंदर अलमीरा जो बनानी है वो आप वेस्ट वॉल पर आपने अपने रूम के अंदर स्टडी टेबल लगानी है तो स्टडी टेबल आप रूम के वेस्ट में यहाँ पर आप अपनी चेयर लगा सकते हैं और ठीक सामने आपकी अपनी टेबल होनी चाहिए इसमें ध्यान रखना है जहां पर आप अपनी चेयर लगाएंगे उसके पीठ पीछे कोई खिड़की या दरवाजा नहीं होना चाहिए कोशिश करें कि आप जो एंट्री डोर है जो रूम का दरवाज़ा है उसके ठीक सामने भी ना बैठे आपके पास स्पेस कम है तो आप यहाँ पर डोर के सामने बैठ सकते हैं फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपने यहाँ पर ये ऑप्शन ईस्ट की ओर फेस करके पढ़ने की ऑप्शन नहीं बनती तो आप अपने बेड के ऊपर भी बैठ नॉर्थ की ओर फेस करके पढ़ सकते हैं स्टडी कर सकते हैं आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी जो बच्चा पढ़ाई में नील होता है उस बच्चे को आप वेस्ट के रूम में ले आए और कोशिश करें कि ईस्ट की ओर फेस करके स्टडी करें पीठ पीछे कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए ऐसे ही आप ईस्ट की ओर फेस करके सिटिंग नहीं बनती तो आप साउथ की दीवार के सहारे बैठे और नॉर्थ की ओर फेस करके स्टडी करेंगे तो भी आपको कामयाबी मिल जाएगी अब ऐसे ही मैं आपको सेकंड रूम के बारे में बताना चाहूँगा अगर आपका वेस्ट में बच्चों का रूम नहीं बनता तो आप ईस्ट में भी बच्चों का रूम बना सकते हैं उसमें रूम का जो डोर है वो नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल पर आना चाहिए बेड लगाना है तो बेड आपका अपना साउथ वॉल पर आना चाहिए अलमीरा आपकी वेस्ट वॉल पर आनी चाहिए ये आपकी वार्ट्रॉप आ जाती है ये आपका अपना बेड है सोते समय सिर्फ साउथ की ओर और पैर नॉर्थ की ओर होने चाहिए स्टडी करते समय इस रूम के अंदर आप बेड के ऊपर ही बैठे और नॉर्थ की ओर फेस करके स्टडी करेंगे तो मेरा अपना यह मानना है कि आपकी स्टडी अच्छी होगी ईस्ट में पूर्व दिशा में यदि आपके यहाँ ओपन स्पेस है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर जितनी बड़ी खिड़की आप दे सकते हैं रूम के अंदर उतनी बड़ी खिड़की जरूर दें और इसी के साथ जो डोर आपने वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट की ओर दिया है एक डोर आपने ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट की ओर जरूर देना है ऐसा करने से इस रूम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है आपने सिर्फ स्टडी रूम बनाना है बेड नहीं रखना तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप यहां पर वेस्ट की दीवार के साथ बैठे सामने आपकी अपनी टेबल आ जाएगी और साउथ की दीवार पर आपकी अपनी बुक सेल्फ आ जाएगी ऐसी जगह बैठकर बच्चा पढ़ता है तो उसको भी कामयाबी मिल जाती है तीसरी ऑप्शन कौन सी आती है रूम के लिए वो आती है नॉर्थ के रूम के इस रूम के अंदर जो एंट्रेंस होनी चाहिए वो रूम के साउथ ईस्ट जोन में होनी चाहिए साउथ वोल पर सेकंड एंट्रेंस यदि आपके यहां नॉर्थ में उत्तर दिशा में ओपन एरिया है तो आप यहां पर एक डोर यानी रूम के नॉर्थ ईस्ट में भी एक डोर जरूर लगाए नॉर्थ वॉल में ओपन एरिया है तो यहाँ पर जितनी बड़ी विंडो लगा सकते हैं आप उतनी बड़ी विंडो जरूर लगाए बेडरूम बनाना है तो बेड की सेटिंग ऐसे ही साउथ वॉल पर करनी है अलमीरा वेस्ट वॉल पर लगानी है और सिर्फ स्टडी रूम बनाना है तो आपने वेस्ट वॉल के सहारे बैठना है और ईस्ट की ओर फेस करके पढ़ना है बुक सेल्फ आपकी अपनी कंप्लीट साउथ वॉल पर आ जाएगी ये अपना बुक रखा गया इस प्रकार नॉर्थ के रूम में बैठकर भी स्टडी करते हैं तो उस बच्चों को भी कामयाबी मिल जाती है मैंने आपको इन तीनों रूम्स के बारे में बताया है कि ये तीनों रूम में बैठ यदि आप स्टडी करते हैं बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं तो ये हमेशा ही कामयाबी देते हैं लेकिन रूम की सेटिंग इसी प्रकार से होनी चाहिए अब कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें ना तो वेस्ट का रूम मिलता है ना ईस्ट का रूम मिलता है और ना ही हमें नॉर्थ का रूम मिलता है हमारे पास ऑप्शन बनती है साउथ के रूम की ऐसे में आप रूम के नॉर्थ ईस्ट में एक डोर लगाएं बेड वही साउथ वॉल पर अलमीरा वेस्ट वॉल पर बेडरूम नहीं बनाना है स्टडी रूम बनाना है तो यहाँ पर बच्चे की चेयर वेस्ट वॉल के साथ आनी चाहिए और सामने टेबल आनी चाहिए ऐसे ही साउथ वॉल पर आपके अपने बुक रेखा जाएगा ईस्ट की ओर फेस करके पड़ेगा तो बच्चा उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी मेट्रो सिटी के अंदर प्लॉट के साइज़ बहुत छोटे होते हैं और कहीं पर भी ऐसी सेटिंग नहीं मिलती कि हमें एक प्रॉपर रूम स्टडी के लिए मिल जाए तो उसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर जो स्टडी रूम बनाना है जो बच्चों के बैठने की सीटिंग करनी है वो सीटिंग हमेशा ही बच्चों की फर्स्ट ऑप्शन में वेस्ट वॉल के साथ बैठे पीठ पीछे कोई खिड़की या दरवाजा ना हो ईस्ट की ओर फेस करके पड़े वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलती तो सेकंड ऑप्शन में आप साउथ वॉल के सहारे बैठे पेट पीछे वहाँ पर भी कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए और नॉर्थ की ओर फेस करके पढ़ना चाहिए इस प्रकार बैठ के पढ़ने से भी उन बच्चों को कामयाबी मिल जाती है आपका रूम आपकी सिटिंग घर के चाहे किसी भी जोन में हो सिर्फ एक जोन का ध्यान रखना आपने जो घर का साउथ ईस्ट जोन है उस जोन में बैठकर आपने नहीं पढ़ना है बाकी घर के किसी भी कोने में बैठकर आप पढ़ेंगे और फेसिंग ईस्ट की ओर सेकंड ऑप्शन में नॉर्थ की ओर करके पढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आज आपको स्टडी रूम के बारे में जानकारी दी है मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने चौबीस सालों का अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं और मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं मैंने जो जानकारी अपनी इस वीडियो में दी है उसके बारे में आप एक बार विचार जरूर करना नोट करना कौन आपके घर के अंदर कौन सा बच्चा किस दिशा में बैठकर पढ़ रहा है और उसकी स्टडी कैसी हो रही है एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो बातें मैंने आपको बताई है वो हंड्रेड परसेंट ओके बात है सही बात है आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहाँ से मैप बनवाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार